लुक तेरा काला काला जान कट दा मस्कारा जिम्मी चुपा के तुर दी पटिया तू दिल्ली सारा तेरा जिम्मी बड़ी सोनी लगती तू। आप सभी का एग्जाम स्टडी फन में बहुत बहुत स्वागत है और आज फिर हम हाजिर हुए हैं UPSCI का प्रैक्टिस सेट 5 लेके, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5, जिससे पहले हमने 1, 2, 3 और 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। तो आज प्रैक्टिस 5 का सेट शुरू करने जा रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ओके। जैसे आपने पिछली वीडियो को लाइक किया है उससे हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना के लाएं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन आज इसका स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में क्या है, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आय के, ठीक है। उपभोग फलन आय के साथ उपभोग के संबंध को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो उल्लेख करती है इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशासनिक स्टाफ के वेतन नियत लागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होता? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना, ये जो है अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होता, ओके। जो इसमें आर्थिक क्रियाकलाप है वे है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कॉलेज में पढ़ाया जाना, आर्थिक क्रियाकलाप है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग संस्था में पढ़ाना, ये भी है। नेक्स्ट है, अध्यापक के द्वारा शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि ये कोई स्कीम है, संस्था है, कोई विद्यालय है, तो ये तो हो गई एक आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। और ये जो घर में पढ़ा रहा है अपनी पुत्री को, ये अपने लिए पढ़ा रहा है, ये आर्थिक क्रियाकलाप में नहीं आता, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पीकर का। ये जो शून्यकाल होता है ये बोला जाता है लोकसभा, जो राज्यसभा में भाषण होते हैं, जो उनकी बैठक होती है उस टाइम शून्यकाल लगता है, और ये एक स्पीकर का, ठीक है, जो बोलने वाला है, जो स्पीकर होता है वहाँ का, उसका विवेकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाया करिए, यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो वीडियो होती है वो वीडियो के लास्ट में देते हैं, वो उसको आप मिस कर जाते हो। ये एक वीडियो या वायरल होती है या फिर एक फनी वीडियो होती है, ठीक है, तो उसको भी देखा कीजिए, मनोरंजन मिलता रहेगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो छठे का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। जैसे भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश आते हैं उनकी शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है? सात का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकता है? यहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा के बारे में पूछा गया कि वो किसकी, जो राष्ट्रपति है वो किसकी सिफारिश से राष्ट्रीय आपात स्थिति जारी कर सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, संघ के मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन है, संघ किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करती है? तो ये नौ का आपका आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट है,
फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन इसमें बी आ जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोड़ी बनाएं, एक तरफ नदियां दी गई है और एक तरफ उनके नगर दिए गए हैं, कौन सी नदियों के किनारे नगर बसे हुए हैं ये बताना है हमको। तो इसमें जो नदियां बसी हुई है, गोमती नदी के पास लखनऊ बसा हुआ है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के पास बसा हुआ है गुवाहाटी, गोदावरी के पास बसा हुआ नगर है वो है राजमुंद्री, और जो कावेरी नदी है वहाँ पर बसा हुआ नगर है तिरुचिरापल्ली। ओके, गोमती के पास लखनऊ, या ऐसे भी कह सकते हैं लखनऊ के पास कौन सी नदी बहती है, गोमती, और गुवाहाटी के पास कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र, राजमुंद्री के पास कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, तिरुचिरापल्ली के पास कावेरी नदी बहती है, या तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पार्क स्ट्रीट किसके बीच स्थित है? पार्क स्ट्रीट जो है वो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये इसके बीच बसी हुई है पार्क स्ट्रीट, और ये जो पार्क है पार्क स्ट्रीट ये श्रीलंका में पड़ती है, ठीक है, पार्क से ये मत समझ लेना कि पाकिस्तान में पड़ती है, ये पड़ती है श्रीलंका में, पार्क स्ट्रीट श्रीलंका में है, और जो खाड़ियों का नाम बताया गया है वो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में ये पार्क स्ट्रीट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, चक्रवातीय गतिविधि के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो जो ये झूम कृषि है ये की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दर्रा कहा जाता है उन पर्वत को, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को जो मार्ग बन जाते हैं तो वो दर्रा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसमें गलत जोड़ी हमको बतानी है, बाबर बनाम संग्राम सही है, हुमायूं बनाम शेर शाह बनाम हुमायूं सही है, चंगेज़ का बनाम अलाउद्दीन ये गलत है जोड़ी इसमें, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर बनाम हेमू भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? तो ये आह्वान करने वाले थे दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज का जो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बुद्ध की मूर्तियों का विरूपित किया गया और हटाया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया और फिर उनको हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजकवि बाण थे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? 21वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल लेंस के प्रकार का होता है ENT। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 22वां होगा, इसमें है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सुदूर संवेदन, यानी कि सेंसिंग कहा जाएगा, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना इकट्ठा करने की तकनीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी होता है जो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंवला।
अगर इसमें ऑप्शन आंवला ना होता तो फिर हो जाता आपका नींबू, क्योंकि आंवला उससे खट्टा होता है सबसे ज़्यादा। जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है, और फिर अगर आंवला ऑप्शन में ना होता तो ऑप्शन हो जाता नींबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो काम करने वाली प्रवृत्ति है वो है प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है ट्रांसफार्मर, आपका ऑप्शन हो जाएगा 24वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा डी, कंटीला चींटीखोर। ठीक है, कंटीला चींटीखोर अंडा देने वाला स्तनपाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन होता है रेशम के कीट के लार्वा से। ओके, जो रेशम का जो कीट है उसका जो लार्वा होता है, लार्वा, उससे रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो हो जाते हैं कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ठीक है, ये उनके रासायनिक नाम दे दिए हैं विटामिनों के। वसा में अगर विटामिन पूछे तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और ये इन विटामिनों के नाम दे दिए गए हैं। आपको इन सेटों में देखा जा रहा है कि विटामिन के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके एफसीआई में भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप विटामिन के केमिकल नेम याद करना, विटामिन के जो स्रोत होते हैं उनकी सब्जियां वगैरह जो उनमें पाया जाता है, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्सोन कहा जाता है डीएनए के कोडकरण खंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्बर क्या होता है? तो वल्बर होता है एक सघन वसा की परत, ऑप्शन हो जाएगा बी, वल्बर सघन वसा की एक परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, हाइड्रा, हाइड्रा उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है। आगे आ जाती है रीजनिंग, तो रीजनिंग को आप करके देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीजनिंग के बाद में इसमें इंग्लिश मिल जाएगी, और इंग्लिश के बाद में आपको क्या मिलेगा, सॉलिड सॉलिड मैथ। ठीक है, तो आपको मैथ भी मिल जाएगी, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और 120 मिलने के बाद आपको इसकी पूरे क्वेश्चनों की जो है आंसर की वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसकी उत्तरमाला मिल जाएगी, एक से लेके पूरे 120 क्वेश्चन तक इसमें आंसर है, और उसके बाद में इसमें जो है इनका सॉल्यूशन भी है, रीजनिंग से लेके इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ का इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा पीडीएफ फाइल 5 प्रैक्टिस सेट का डाउनलोड लिंक, और उस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस सारे प्रैक्टिस सेट को आसानी से लगा सकते हैं, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के सोल्यूशन के साथ इनका आंसर भी मिलेगा, और इनका सोल्यूशन भी नीचे मिल जाएगा। तो आप खुद प्रैक्टिस करना, आपके नंबर अच्छे आएंगे एफसीआई में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट कहते हैं हम। अभी एंटरटेनमेंट का टाइम है, अब वो देखो, उससे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आपको इस एफसीआई से रिलेटेड आगे वीडियो चाहिए तो वीडियो को करिए लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो नए लोग आए हैं वो इसको करना होगा, उनको क्या, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एंटरटेनमेंट देखिए आगे। Ha 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 ha!